आप सबका स्टूडियो में स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम स्टार टॉक्स। दोस्तों जो आज मेरे स्टार हैं, जी हाँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ पूर्णिमा शर्मा जी से, जो एक बहुत ही द बेस्ट कोरियोग्राफर इन ऑस्ट्रेलिया, एंड उनका इंडियन डांस सेंटर जो लास्ट 30 ईयर्स से चल रहा है, इस साल उनके 30 साल पूरे हो रहे हैं। आओ बातचीत करते हैं पूर्णिमा शर्मा जी के साथ, कुछ उनके एक्सपीरियंसेस की, कुछ उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स की। पूर्णिमा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत। नमस्कार, और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के लिए। पूर्णिमा जी, कैसे कि हम सब जानते हैं कि आपकी डांस की कौन सी फील्ड है, इट्स आपने अपना एक अलग से मुकाम बनाया है ऑस्ट्रेलिया में, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं आपके, इतने सारी ब्रांचेस हैं, इतने सारे आपने शोज किए हैं। सो डेफिनेटली हम सबसे पहले आपके गुरु, आपके फादर साहब के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और कैसे वो आपकी तरफ आया, तो थोड़ा सा हमें प्लीज बताइए। मेरे फादर श्री राघवन नायर जी, बेसिकली 10 साल की एज से वो दिल्ली में बहुत बड़े इंस्टीट्यूट भारतीय कला केंद्र से, उन्होंने एक छोटे छोटे काम से उन्होंने अपना काम शुरू किया। मेरे जो दादाजी थे वो कथकली डांसर थे, तो जो ये एक आर्ट फील्ड था वो शुरू से हमारे खून में था। तो पापा को और उनके बड़े भैया जो हमारे ताऊजी श्री कृष्ण नायर जी, वो उनको दिल्ली लेके आ गए, उनका ट्रेनिंग वहाँ पे शुरू हुई। तो सबसे पहले उन्होंने गोपी कृष्ण जी से और फिर उसके बाद उदय शंकर जी से वो सब चीज़ उन्होंने सीखी जो एक डांसर को, एक कोरियोग्राफर को सीखना था। उसके बाद उनको 17 ईयर्स तक उन्होंने मेन लीड का रोल किया एज कृष्णा में, कृष्णा का वहाँ पे बहुत बड़ी रामलीला होती थी 14 दिन तक, वहाँ पे फिरोशला कोटला मन वहाँ होता था जो ग्राउंड्स, उस पे लोग एवरी डे फॉर 14 डेज बिफोर दिवाली वहाँ पे बैठ के वो रामायण रामलीला होती थी, उसमें पापा राम राम का रोल करते थे। तो बेसिकली जब हम लोग यहाँ पे 1985 में वापस यहाँ पे मतलब सिडनी में हम आए, लॉन्ग वे बैक बिफोर बिफोर सो 1985 में जब पापा यहाँ पे आए, तो उन्होंने उनको फील हुआ कि नहीं, डांस का फील्ड इसलिए नहीं कि यहाँ पे वो मिस कर रहे थे, बट द फैक्ट कि यहाँ पे बहुत इंडियंस थे नहीं, जो यहाँ पे छोटे बच्चे और जो यंग जनरेशन के लोग थे, उनको हम कैसे स्टिल कनेक्ट करें अपने कल्चर के साथ, या स्टिल कनेक्ट करें हमारे इंडिया और हमारी लिटिल बिट ऑफ की क्या टैलेंट है जो वहाँ पे हम करते थे, यहाँ पे हम सिखाना चाहते थे। So he's a man who want to make a platform here. He was actually awarded as the ambassador of Indian culture. उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे बॉब हॉक जी, उन्होंने उनको वो एक पदवी दी थी उस टाइम पे, क्योंकि माय फादर वाज द ओनली वन हु वाज द फर्स्ट प्राइमरी स्कूल दैट वाज चोजन इन 2000 टू डू द ओलंपिक गेम्स हियर जो हुआ था यहाँ पे। और उन्होंने जब देखा यहाँ पे कि भाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे एक्चुअली में इंडियंस उतने नहीं थे जितने वेस्टर्नर्स थे यहाँ के ऑस्ट्रेलियंस, तो वो सब हम लोगों ने शुरुआत की बोंडाई पवेलियन में जाके क्लासेस करते थे, एंड धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने अपना ऑब्वियसली इन 1987 में हमने फिर शुरुआत की 1987 में हमने शुरुआत की कि भाई चलिए अब हम अपना डांस सेंटर शुरू करते हैं। और जब पापा ने शुरू किया तो फिर उसके बाद वी नेवर लुक्ड बैक, बिकॉज नॉट ओनली हमने यहाँ पे पता नहीं कितने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स बच्चों को सिखाया, बट द फैक्ट दैट वी यूज टू ऑल्सो प्रमोट ओवरसीज के आर्टिस्टों को, हम वहाँ से क्लासिकल डांसर्स को या क्लासिकल म्यूजिशियंस को लेके आते थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम उनके साथ वर्कशॉप्स करते थे, उनको अपॉर्चुनिटी देते थे कि वो और भी लोगों के साथ सिखाएं वो अपनी टैलेंट एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वी वर लाइक अ फ्रंट फेस ऑफ इंडिया इन ओवरसीज हियर इन सिडनी। That's great. तो दोस्तों I feel lucky कि आज मैं उस फैमिली के साथ हूँ, उस फैमिली के मेम्बर्स के साथ बैठा हुआ हूँ कि जो जिन्होंने यहाँ पे डांस की ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत की। हम आपके बारे में फिर से बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, कैसे कि आपको
आपके फादर साहब से एक डांस की जो इतनी कला है आपके पास आई, वैसे ही आपने अपने बच्चों को दी. सो वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर किड्स टू, जैसे कि आपके बेटे अभी फिल्म में भी आ रहे हैं, सो जी उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. जरूर. मेरे दो बेटे हैं, दीपक शर्मा और रवि शर्मा. दोनों का शुरुआत से उन्होंने अपने नाना जी से बेसिक क्लासिकल विच इज कुचिपुड़ी सीखा है, और उसके साथ साथ सेमी क्लासिकल, और मुझसे वो लोग बॉलीवुड और डांस ड्रामा वॉज द मेन थिंग जो करते थे. तो बहुत बेसिक्स चीजें उन्होंने शुरुआत की उससे. दीपक था आई थिंक एट द एज ऑफ 10 ईयर्स ही स्टार्टेड, और फिर उसके बाद हम लोगों का जो रामायण हुआ था उसमें उन दोनों को राम लक्ष्मण की तरह हमने बनाया, राम लक्ष्मण का रोल उन्होंने अदा किया, और वो यहीं के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं. बट उनकी हमेशा ऐसे रहा है कि वो लोग बहुत वेल कनेक्टेड रहे, बिकॉज घुंघरुओं के बीच में पैदा हुए हैं, तो उन्होंने शुरुआत से हमें देखा हुआ डांस करते हुए, या अपने आप को एक्टिविटीज के साथ घोलते हुए. बड़े बेटे को बहुत शौक था कि नॉट ओनली ये एक फील्ड का, बट उसको शुरू से शौक था मुंबई जाके अपना बॉलीवुड के एक्टर्स को देखता था, करता था, तो ही वॉन्टेड टू ऑलवेज परस्यू दैट करियर. हमारा कहना था कि पहले तुम अपना यहाँ पे बेस पहले जमाओ. स्टडी स्टडीज उसने पूरी कंप्लीट की, यूनिवर्सिटी का डबल डिग्री होल्डर है, काम भी किया यहाँ पे, जितनी चीजें वो करना चाहता था उसने यहाँ कंप्लीट की, क्योंकि हमेशा हमारा होता था कि एंड नहीं डबल छोटा की. डबल की. छोटे बेटे ने भी अपनी पूरी यूनिवर्सिटी की डिग्री की हुई है, एंड नाउ ही स्टडिंग फर्दर प्लस वर्किंग. बट दीपक का था कि उसने हमारे साथ ही नहीं ड्रामा, बट ऑल्सो विद नायडा के बहुत बड़े वहां पे. दोस्तों मैं एक बात शेयर करूंगा कि काफी समय बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं और कम ऐसे कलाकार होते हैं जिनको बहुत ये नसीब होता है कि दे फील लकी जब अपने बच्चों के साथ वो स्टेज एक शेयर करते हैं. वेरी बिकॉज ट्रू. आपने काफी बार उनके साथ स्टेज किया है और वी ऑल आर विटनेस फॉर दैट. काफी बार मेरे को भी मौका लगा, लेकिन आपका कभी डांस अलग होता था, हमारा अलग होता था, बट वी जस्ट विटनेस दैट थिंग. जब कोई कहता था कि वो आपके बच्चे हैं, तो वी फील लाइक दैट इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर द पेरेंट्स टू. इट इज वेरी प्राउड, बिकॉज हमारी कभी कभी हम लोग 3 जनरेशन होते थे ऑन द स्टेज. यस बहुत कम लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी जिंदगी में, एक ये बहुत गुटलत मिलता है कि जहां पे 3 जनरेशन एक साथ परफॉर्म ऑन द करती वन है. स्टेज. रामायण के टाइम पे ऐसे हुआ, मेरे फादर जो थे उन्होंने रोल अपना अदा किया दशरथ का, तो दशरथ के साथ साथ बेटा राम बनता था, छोटा बेटा लक्ष्मण बनता था, एंड मैं उस टाइम पे भी रोल कर रही थी अपना, क्या कहते हैं, 2-3 रोल्स मैंने किए थे मंथरा का, सबसे जैसे विलन टाइप का. दोस्तों मैं थोड़ा सा डीपली आपको बता दूं कि 2013 में रामायण का एक शो हुआ था जिसको इंटरनेशनल लेवल पे पूर्णिमा जी लेके गए, और उसको इंटरनेशनल लेवल पे नॉट इन ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, बाहर भी लेके गए. जी, मैं न्यूजीलैंड लेके गई टूर के लिए, और फिर उसके बाद अमेरिका लेके गई टूर के लिए. बिकॉज एक धार्मिक स्टेज शो को इतना महत्वपूर्ण इसलिए मिला, इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए मिली, बिकॉज अकेली की ये फैमिली कौन सी है इतने सालों से इस चीज की सेवा कर रही है एंड कल्चर के साथ जुड़ी हुई है. इतने लोग आए, उन लोगों ने रिस्पेक्ट दिया, इंडियन से ज्यादा गोरे लोग आए, That's right. एंड दैट्स द मेन रिस्पेक्ट इन द कम्युनिटी जो आप लोगों ने यहाँ पे कमाई. तो आप जब बाहर भी गए, सो क्या डिफरेंस लगा ऑस्ट्रेलिया और बाहर वाली कंट्रीज में? सी द थिंग इज कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमारे इंडियंस जो हैं वो तो ऑब्वियसली जो लोग हैं बहुत धार्मिक प्रोजेक्ट्स में करते हैं बिलीव, वो देखना चाहते हैं. बट द फैक्ट इज कि यहाँ पे उतना हमको, मतलब हालांकि सब सोल्ड आउट शोज थे, बट तभी भी हमारे जितने फॉरनर्स वेस्टर्नर्स जितना प्रभावित होते हैं ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स में, इट इज अमेजिंग टू सी कि उतने हमारे इंडियंस नहीं होते जितने वेस्टर्नर्स होते हैं. जी बाहर के देशों में यही चीज हुआ, अमेरिका में तो आधे से ज्यादा सिर्फ गोरे ही थे,
जी और गोरो ने जो बैठ के उनको एक एक कैरेक्टर के बारे में पहले रिसर्च करके वो आए थे प्रोजेक्ट हमारा देखने के लिए, और उन्होंने बोला आपने लोग 14 दिन करते हैं रामायण या 16 दिन करते हैं रामायण, आपने 2 घंटे में पूरी रामायण स्टार्ट टू एंड हमें दिखा दी, और वो भी डांस ड्रामा से, तो उससे इट वॉज मोर डबल एंटरटेनिंग बिकॉज वी ट्राई टू डू दैट। उस टाइम पे जो हमारे डायलॉग्स थे रामायण के, हमने अवधि और हमारा जो संस्कृत के जैसे मुहा श्लोक होते थे या चौपाइज होती थी उससे हमने की। जी तो हमने यही सोचा कि हम लोगों को बहुत फीडबैक मिला कि देखिए लीव असाइड हिंदी तो आप अगर करते तो थोड़ा सा उनको कुछ समझ भी आता बिकॉज इट वॉज सो ऑथेंटिक पुराने टाइम का, आपने चौपाइज और संस्कृत और वो करके आपने बोला तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया, बट डांस ड्रामा की वजह से उनको पूरी कॉन्सेप्ट और हिस्ट्री समझ आ गई क्या हो रहा। तो वी टुक दैट ऑन बोर्ड एंड वी लर्न फ्रॉम दैट कि नहीं, नेक्स्ट कुछ प्रोजेक्ट अगर करेंगे तो हिंदी के डायलॉग्स पूरे रखेंगे और ट्राई करेंगे कि उससे पहले उसका पूरा विच वी डिड ट्रांसलेशन। हमें 1 साल लगता है एक प्रोजेक्ट को एक पूरा, साल लगता है एक प्रोजेक्ट में। पूर्णिमा एक जी, एक प्रोजेक्ट। जहन में एक और क्वेश्चन आया है कि जिस टाइम आप पूरा सेट डिजाइन करते हैं, सो आपको ऑस्ट्रेलिया में ये प्रॉब्लम नहीं आता कैसे इंडिया में सेट लगाने के टाइम आप बिलीव नहीं इश्यू करेंगे, इश्यूज होते हैं, यहां भी होते हैं क्या? बहुत इश्यूज होते हैं और बहुत कभी कभी मन में बहुत दुख भी होता है कि लोग जो हैं उनको बोलो हेल्प करने के लिए, इन प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। तो मेरे हस्बैंड वो पूरा का पूरा पीछे का एक एक स्क्रू लगाना, एक एक उस बेंच पे या पूरा जो चीजें बनानी है वो कुछ कुछ यहाँ पे ऑब्वियसली जल्दी मिलता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जो है अनिल, ही हेल्प्स मी आउट अ लॉट विद माई प्रोजेक्ट। मुझे याद है अभी भी इट वॉज 160 किलो ऑफ सामान आई हैड फ्रॉम हियर टू माई रामायण। जब ओके मैं अमेरिका गई थी तो उसको ये नहीं कि आप जो त्रिशूल हैं और कितने वहां पे हमने भाले बनाए हुए थे, कितने हमने तलवार बनाई हुई थी, तो आप ऐसे नहीं लेके जा सकते। कस्टमाइज के लिए आपको कस्टम्स में दिखाने के लिए बहुत डिफरेंट वेज उसको पैकिंग करनी है, उठाना है, फिर क्रॉप्स हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत लगता है। वी हैड 600 कॉस्ट्यूम्स। तो ये सब चीजें जो हैं ये इट्स वेरी एक हार्ड। इट्स वेरी हार्ड एंड तभी सबके बस के काम नहीं है डांस ड्रामा करना। आप शोज कर सकते हैं, आइटम्स कर सकते हैं और आप बॉलीवुड आइटम्स कर सकते हैं, बट जो डांस ड्रामा होता है वो स्पेशली डिपेंड करता है आपका क्या प्रोजेक्ट है। एंड स्पेशली व्हेन इट इज अ सीरियस मैटर्स इट इज लाइक मीन सारी दुनिया एक छोटी सी बात को भी एक बड़ा सा इशू बना सकती है, तो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में इतना उसको डीपली जाना पड़ता डीपली है। जाना पड़ता है और आपको देखना पड़ता है कि कहीं कोई चीज रॉन्ग आप एम्फसाइज ना करें और रॉन्ग आप डिस्प्ले ना करें, जिससे कि कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, नहीं भाई हनुमान जी ने तो ये किया था तो राम जी ने ये ये किया कैसे किया, था। सो यू हैव टू बी ये वेरी वेरी केयरफुल। सो यू डू योर स्टडीज एंड यू डू योर एक हम चाहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, जौन सा स्टेज के पीछे का हो, कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको लगा हुआ है इट्स वेरी फनी, या ये कुछ याद हमेशा रहा हो। सबसे बड़ी चीज होती है कि जो चीज मुझे अभी तक याद है कि राम और रावण की लड़ाई होनी थी, तो जो रावण था हमारा, ही इज बेसिकली वो नेली अबाउट आपका 6'5" का है, नेली लंबा चौड़ा लड़का कृष। और बेटा मेरा जो दीपक था वो राम का रोल, तो उसी के साथ साथ लक्ष्मण में रवि को भी दोनों की फाइटिंग सीन्स हमें दिखानी थी। तो फाइटिंग का ये सीन शुरू हुआ, तो शुरू करते करते उसमें ये होता है कि इतना धुआंधार लड़ाई होती है दोनों की, बट जब रावण के एंड में हम पीछे से उसको बकअप करते रहते हैं कि भाई अभी भी और भी बचा है, और भी बचा है, अपनी बिल्कुल ताकत लूज नहीं करो। और वो हनुमान जी जो होते थे, वो हनुमान जी बीच में जाते थे, तो जब जाने से पहले उसकी पूंछ पीछे एक किसी चीज से स्टक हो गई। रियली अब हम लोग उसका जाने का हो रहा है और वहां पे उसकी पूंछ हो, तो अब हम जल्दी जल्दी जल्दी, तो पूंछ को थोड़ी सी काटनी पड़ी। बट ये जो चीजें होती है ना बैक ऑफ द स्टेज बहुत स्ट्रेसफुल होती है। आज मैं हंस सकती हूँ उसके ऊपर, पर उस टाइम पे हम लोग की हंसी हंसी सब निकल जाती है, पसीना पसीना हो जाता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। एक तो वो
और एक और चीज मुझे बड़ी याद आती है कि मेरी सीता जो लास्ट में बनी थी कीरतमन, उसकी डोली जैसे शादी के बाद आता है तो दूसरा एक और सीन आता है, वो भूल गई कि उसके शादी के बाद एक और जो दूसरा सीन आता है तो अपने ना सब ज्वेलरी 2 मिनट में निकालने लगी कि चेंज करना है। अचानक से उसने म्यूजिक सुना, कहते ओ माय गॉड, भगते भगते उसे फिर से अपने ज्वेलरी, ये पीछे का जो एक सिनारियो होता है ना, इट्स लाइक अ मैड हाउस, तो उसमें आप यू हैव टू बी रियली क्विक एट इट कि यार, तो वी हैव गॉट 4-5 पीपल ऑन दिस साइड, 4-5 पीपल ऑन दिस साइड, चेंजेस एंड दिस एंड दैट, इट इज एड्रेनलिन सबका टॉप लेवल पे चल रहा होता है उस टाइम पे, बट इट इज गुड, इट्स फन, इट्स फन। दैट्स ग्रेट पूर्णिमा जी, हम अब बात करेंगे कि कोई आपका आने वाला प्रोजेक्ट, आने वाला शो जौन सा हम सब विटनेस कर सके। वेल मेरा सबसे ये भी एक बहुत धमाकेदार वाला एक प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ, उसका नाम है मोक्षा, जी वो हमारा 18 फरवरी को हो रहा है, और इस मोक्षा में मेरे 25 डांसर्स हैं, उसमें से आधे इंडियंस हैं और आधे मेरे वेस्टर्नर्स हैं, विच इज मल्टी कल्चरल ग्रुप है, तो ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, इंडोनेशियंस भी हैं, हाफ एबरिजिनीज एंड हाफ आपके जापानीज मिक्सचर, तो आपका सब ये शो हिंदी में है, इंग्लिश में है? हिंदी में। हिंदी में है, एंड इट्स वेरी हार्ड टू टीच देम हिंदी फर्स्ट। सो दैट्स वाई प्रोजेक्ट्स मेरे 1 साल लगता है एक प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि रीजन बीइंग इज जब हम सोचते हैं ये प्रोजेक्ट करना है, हम फिर कैरेक्टर्स देखते हैं कितने कैरेक्टर्स को हमको लेना है इसमें, तो उन ईच कैरेक्टर्स को फिर मैं देखती हूँ, मैं जब उनका ऑडिशन करती हूँ उनसे देखती हूँ कि मुझे जो चूज मैं करती हूँ, तो उनके साथ बैठ के उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, जितना मेरे डायलॉग्स होते हैं उसको इंग्लिश में उनको पूरा का पूरा मैं उनका सीन बाय सीन करके उनको देती हूँ, सो बेसिकली हम लोग पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पुट टुगेदर करके उनको कॉन्सेप्ट बताते हैं, उनको रेफरेंसेस देते हैं कि आप रेफरेंस चेक करिए, ये करिए, वो करिए, तो करते कराते फिर दे गो एंड लर्न ऑल दीज थिंग्स, फिर उनके साथ हम एक्शन जब करते तो उसको ईच एक्शन के साथ मैं बताती हूँ, समझाती हूँ, मेरे फादर समझाते हैं कि देखो दिस इज वॉट वी नीड, दिस इज द एक्शन वी नीड, दिस इज वॉट वी वॉन्ट यू टू फील, दिस इज वॉट वी वॉन्ट यू टू डू। ये मोक्ष किस बारे में है और क्या देखने को मिलेगा इसमें, थोड़ा सा आइडिया? मोक्ष का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअली में पीरियोडिक टाइम से है, विच इज आपके भगवान रामचंद्र जी का, तो रामायण सबने बुक्स में देखी है, हमारी कथाएं में देखी है, ये वाला जो है ये एक्चुअली में राजा बिंबसार और उनके बेटे अजातशत्रु पे निर्धारित है, बिल्कुल ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो इसमें सीख है ये सीख मैंने बुद्धिज्म के ऊपर की है, कि बुद्धा के कुछ टीचिंग से और गीता के कर्म के ऊपर, जैसे कर्मों का जो दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी, खराब कर्म करोगे तो खराब चीजें जिंदगी में मिलेंगी, इट्स अ होल लाइफ साइकिल, तो वो साइकिल को मैंने दिखाने की कोशिश की है इसमें, और एक फादर और एक सन के ऊपर और इन दोनों के मेन कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने ये, एंड इट इज नॉट कि भाई मैं ये बनाई फैंटेसी टाइप का, ये है इट इज एक्चुअली अ प्रॉपर स्टोरी लाइन ऑफ बिंबसार एंड अजातशत्रु फ्रॉम द टाइम मगर, सो इट वॉज 490 to 500 बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, ये उस टाइम की स्टोरी है, तो ये मैंने पुट टुगेदर मेरे फादर ने किया, जाके म्यूजिक पूरा रिकॉर्ड करके, डायलॉग्स रिकॉर्ड करके हिंदी में, पूरा म्यूजिकल टाइप हमने पूरा डांस ड्रामा बनाया है, ये 25 डांसर्स के साथ किया है, मेन कैरेक्टर्स इसमें से सिर्फ गेम के 3-4 ही सिर्फ हैं, रामायण की तरह पूरा 10-15 का मेन कैरेक्टर्स नहीं है, आपके जो है राजा बिंबसार, उनकी पत्नी रानी कुसाला और अजातशत्रु और उनकी बीवी जो है, उसकी जो वाइफ थी वो प्रिंसेस वजीरा, और मेरे फादर जो हैं इसमें विलन का रोल कर रहे हैं, तो मेरे फादर जो हैं वो देवदत्त का रोल कर रहे हैं, और हालांकि छोटा पार्ट है बट इट 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 इज द मेन फेस जो दैट चेंजेस पूरा कॉन्सेप्ट को, पूरा स्टोरी लाइन चेंज कर देता है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज के बारे में, कि हम लोग मोक्ष का मीनिंग इंग्लिश में होता है सेल्वेशन, सो बेसिकली हम दिखाना जा रहे हैं अपने व्यूज को, एंड इट इज वेरी मच आजकल की जो हमारी एक होती है ना, बेसिकली हमारा क्वेश्चन होता है कि क्या पैसा हमें सुख दे सकता है,
क्या हमें हमारे जो माँ बाप इतना पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो वो लोग हमसे अगर कोई चीज उम्मीद करते हैं तो हमारा क्या कोई फर्ज उनकी तरफ से होता, उनकी उनके लिए कुछ होता है? और माँ बाप फील करते हैं कि बच्चा आगे जाके हमारे लिए ये करेगा, तो और कभी कभी वो बिना कुछ सोचे समझे बच्चे के लिए करते हैं, बट एज पेरेंट्स और एज किड्स हमारा क्या, हमारा उनकी तरफ यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और क्या हम अपने बच्चों को अपने पीढ़ियों को सिखाना चाहते हैं? क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, इट्स ऑल कर्मा, इट्स ऑल अबाउट कर्मास, इट्स ऑल अबाउट यू नो लाइफ इज लाइक अ सर्कल. आज आप इस जगह पे खड़े हुए हो तो कोई दूसरी जगह पे आप तब खड़े हो गए तो जहां पे यू नो आपके माँ बाप थे. सो इट्स अ सर्कल, इट्स अ लाइफ सर्कल. और वो सर्कल के बारे में आजकल के जेनरेशन के या आजकल के बच्चों को और इवन बड़े लोगों को मैं ये एक डांस ड्रामा थ्रू में दिखाना चाहती हूँ. हम आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस देंगे. थैंक यू सो सो मच. एंड हमारे ये जो शो है उसके सिर्फ अब 5 वीक्स बचे हैं. टिकट्स बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं. तो टिकट कहाँ से लोग बाय कर सकते हैं? दे कैन ऑनलाइन खरीद सकते हैं dryTickets.com.au से. हमारे अमित चौहान जी और राज चौहान जो दोनों हैं ब्रदर्स, बहुत अच्छा ये ड्राई टिकट्स चला रहे हैं. वो लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये वाला जो है सेलिंग का पूरा ऑनलाइन का दे आर लुकिंग आफ्टर. सो प्लीज कॉन्टेक्ट देम एंड dryTickets.com.au. सबका आजकल सब जानते हैं उनको. और आपको अगर कुछ नहीं आप ऑनलाइन कर पा रहे हैं तो प्लीज गिव मी अ कॉल. मेरा नंबर आप ले लीजिए और मेरे को फोन कीजिए और मैं आपके लिए टिकट्स का ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ. डेफिनेटली आप अपना नंबर दे सकते हैं. मेरा नंबर है 0413-207-414. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ 0413-207-414. और हमारा जो वेबसाइट है वो है www.indiandancecenter.com.au www.indiandancecenter.com.au. हम लोग फेसबुक पे भी हैं. सो यू कैन लाइक माय फेसबुक पेज एंड यू विल बी अपडेटेड एंड पोस्टेड एज टू व्हाट्स हैपनिंग विद इंडियन डांस सेंटर. मैंने अपने फादर का नाम दिया हुआ है, आगे लगाया हुआ है. तो आप अगर इंडियन डांस सेंटर करते हैं या श्री राघवन नायर इंडियन डांस सेंटर करते हैं, आपको दोनों वो वही वेबसाइट लेके जाएगा. पूर्णिमा जी आपने समय निकाला, अपना बहुत बहुत धन्यवाद. आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरे डांस ड्रामा और मोक्ष के बारे में, रामायण के बारे में सब चीज की पूछी. प्लीज आप लोग अगर टाइम मिले तो जरूर आए, जरूर देखें. Of Australia and whole family is full of talent. Thanks. So हम यही आपसे गुजारिश करते हैं कि 18 फरवरी को होने वाला मोक्ष प्रोग्राम को सपोर्ट कीजिएगा. Buy your tickets from dry tickets and मिलते हैं अगले सप्ताह इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है Star Talks. नमस्कार.